पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर, आज हम क्लास 8 का लेक्चर 14 पढ़ेंगे और लेसन आपका 4 होगा, एरिमा टेक्स विंग्स। ये हमें पढ़ना था, इसमें हमने आधा पढ़ लिया था। चलिए, हमें यह पढ़ना है सीवेंट। यहाँ से हमें पढ़ना है सीवेंट किराया, सॉरी यहाँ से नेवर, न कभी नहीं। आई हैव हियर सच ए थिंग, आई हैव अगर आए नेवर हैव आई हियर ऑफ सच ए थिंग, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। तो पूरे का अर्थ होगा मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था। सर द धोबीज वाइफ, धोबी की पत्नी ने कहा, हर आइज पॉपिंग विथ एक्साइटमेंट, कह रहा है कि उसकी जो आंखें हैं वह उत्तेजना के कारण बाहर निकल रही थी। हर आइज पॉपिंग, उसकी आंखें जो है बाहर निकली हुई थी विथ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण। एक्साइटमेंट भी होता है उत्तेजना, उत्तेजना के कारण उसकी आंखें बाहर हुई थी और वह सोच रही थी और क्या कह रही थी, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। एंड ही बीइंग ए वेजिटेरियन, और वह एक कह रहा ही बीइंग ए वेजिटेरियन, वह एक शाकाहारी थी। एंड ऑल दैट, कह रहा है कि वह सभी तरह से क्या थी, शाकाहारी थी। बट वन कैन नेवर टेल, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आगे लिखा है सी वेंट अवे प्रोमिसिंग नॉट टू टेल एनीवन, कह रहा कि वह चली गई प्रोमिसिंग वादा करके, नॉट टू टेल एनीवन कि किसी को नहीं बताएगी, उसने किसी को न बताने का वादा करके चली गई। यह बात किसी और को न बताने के लिए वादा करके चली गई। कह रहा है बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में सी मेट हर फ्रेंड, रास्ते में वह अपनी सहेली से मिलती है, रास्ते में वह अपनी सहेली से मिलती है, रास्ते में वह अपनी सहेली से मिलती है। एंड द होल स्टोरी स्टार्ट ऑफ ट्रम्बल आउट ऑफ हर माउथ, कह रहा है कि पूरी कहानी जो है उसके मुंह से लड़खड़ाते हुए पूरी कहानी निकल गई, पूरी कहानी संक्षिप्त में लड़खड़ाते हुए पूरी कहानी उसके मुंह से बाहर निकल गई। परहैप्स शायद इन हर एक्साइटमेंट सी सेड, शायद वह अपनी उत्तेजना के कारण यह कह रही थी हेरन्स, कह रहा है शायद वह उत्तेजना के कारण हेरन्स कह रही थी। हेरन्स भी सोता बगुले, आई स्टीड ऑफ हेरन्स, बगुला की जगह, शायद वह बगुला की जगह बगुले कह बैठी, शायद वह उत्तेजना के कारण बगुला की जगह बगुले कह बैठी। आर पर है या शायद हर फ्रेंड, उसके मित्र ने जस्ट इमेजिन, और या शायद उसके मित्र ने तुरंत यह कल्पना कर ली, सी हैड सैड हेरन्स, कि वह उसे बगुले कह रही है, या वह उसे बगुले कह रही है। बट लेकिन When she told her husband the story sometime later, लेकिन कुछ समय बाद जब उसने अपने पति को पूरी कहानी सुनाई, तो सी वाज इम्फैटिक दैट ए होल फ्लॉक ऑफ, तो कह रहा कि उसमें क्या थी, दृढ़ता था दैट की, या उसने दृढ़ता के साथ कहा दैट की होल फ्लॉक ऑफ हेरन, कह रहा कि पूरे बगुलों का जो झुंड होता है हैड कम आउट ऑफ द पंडित माउथ, कि पंडित के मुंह से बगुले का पूरा झुंड बाहर आया था उत्तेजना के कारण। यह कह रहा है दृढ़ता के साथ कह रही है कि शायद उसके पंडित के मुंह से पूरे बगुलों का झुंड बाहर निकला। एंड एज द स्टोरी प्रेज्ड, और कह रहा है कि और इस तरह से कहानी जो फैल गई हेरन्स, हेरन्स के रूप में, बगुले के रूप में, बगुले बिकम हेरन्स, कह रहा है कि बगुला से बगुले और बगुले से एंड अदर पक्षी, कह रहा है कि बगुले पहले तो बगुले, फिर कह रहा है बगुले सभी बगुले एंड अदर बर्ड्स और सभी पक्षियां, एंड द हंड्रेड ऑफ बर्ड्स और हजारों पक्षियां, ऑल द शेप्स सभी प्रकार की और सभी तरह की जो पक्षियां थी वह उसके मुंह से बाहर आई। बाय इवनिंग शाम को, कह रहा है बाय इवनिंग शाम को द होल विलेज पूरा गांव एंड सेवरल अदर नेबर्स और उसके जो गांव के अगल बगल के जो दूसरे गांव के पड़ोसी थे हैड हियर द स्टोरी, कहानी को सुना। एंड पीपुल बिगन टू अराइव
इन रो एट द पंडित हाउस। कह रहा है कि और लोग क्या करना प्रारंभ कर दिए, लोग उस पंडित के घर की तरफ आना शुरू कर दे टू विटनेस, साक्ष्य होने के लिए द मिरेकल हैपनिंग, इस अद्भुत घटना के लिए। वहाँ पर इस अद्भुत घटना का साक्ष्य प्रमाण देखने के लिए सभी लोग पंडित के घर आने लगे या आना प्रारंभ कर दिया। आगे लिखा है द पंडित स्टेड फास्टली डेनिट, कह रहा है कि पंडित जो है दृढ़ता से या कह रहा है कठोरता से डेनिट मना करता है दैट कि एनी बर्ड हैड कम आउट ऑफ हिज, कि कोई भी पक्षी, कह रहा है एनी बर्ड हैड कम आउट ऑफ हिज माउथ, कि उसके मुंह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं आया है, कि उसके मुंह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं आया है। बट नो बॉडी वुड बिलीव हिम, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करेगा, या कह रहा है कि बट नो बॉडी वुड बिलीव हिम, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। आगे देखिए, आगे लिखा है एंड एवरीबॉडी बेग्ड, और सभी कह रहा है कि प्रार्थना करने लगे हिम उसे टू डेमोनस्ट्रेट हिज वंडरफुल पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग, कह रहा है कि सभी लोग उससे प्रार्थना करने लगे टू हिम डेमोनस्ट्रेट, दिखाने के लिए हिज वंडरफुल पावर, अपनी अद्भुत शक्ति को आप प्रोड्यूसिंग बर्ड, पक्षियों के उत्पादन के लिए फ्रॉम हिज माउथ। मतलब कह रहा है कि वहाँ के सभी लोग उस पंडित को फोर्स करने लगे या कहने लगे दिखाने के लिए उस अद्भुत पावर को जो पक्षियों को बनाता है या जो पक्षियों का उत्पादन करता है। फाइनली इन एक्सप्रेशन, कह रहा है गुस्से में गुस्सा दिलाने की क्रिया, कह रहा है अंत में उसके गुस्सा दिलाने की क्रिया, ही आज देम, कह रहा है इन एक्सप्रेशन, कह रहा है अंत में वह गुस्से में ही आज देम आर टू सीट फ्रॉम ऑफ हिज हाउस, कह रहा है इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, कह रहा है ही आज देम, और उसने गुस्से में आकर सभी को कह दिया टू सीट, बैठने के लिए इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने, और सभी को उसने उस अपने घर के सामने बैठने के लिए कह दिया। एंड वेन, और जब दे हैड डन सो, जब उन्होंने ऐसा किया तो ही रैन आउट ऑफ द बैग, कह रहा कि वह पीछे से निकल गया एंड हिड इन द जंगल, और जंगलों में छिप गया, कह रहा है कि पंडित जो है बैठा कर सबको पीछे के दरवाजे से निकल गया और जंगलों में जा छुपा। वेयर, जहां पर ही रिमाइंड सेवरल डेज, जहां पर उसने कई दिन व्यतीत किए, टिल द एक्साइटमेंट, जब तक कि यह जो उत्तेजना थी या जो घटना थी हैड डाइड डाउन, जब तक कि यह घटना खत्म ना हो गई। एंड द पीपल हैड रियलाइज, और लोगों ने एहसास किया कि द न्यूज वाज फॉल्स, कि यह जो घटना थी वह क्या था, झूठ था। तो आज का लेक्चर, क्लास 8 का लेक्चर ही समाप्त होता है 14। अगले लेक्चर 40 में मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।